नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजगढ़ जिले में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जिले भर में ताबड़तोड़ दौरे के साथ जनसभाएं भी की। इस दौरान देर रात खिलचीपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह के समर्थन में पहुंचे कार्यकर्ता एवं उमड़े हजारों की संख्या में जनसैलाब को संबोधित करते हुए सनातन पर व्याख्यान देते हुए कहा कि सनातन धर्म वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। जब हम घर परिवारों में धार्मिक आयोजन करते हैं तब बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और यही सनातन धर्म है जिसको सभी ने स्वीकार किया है। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारा कल्याण है दूसरों का नाश हो, ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, हमारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में नफरत अशांति फैला रही है जिसका हमें दुख है, क्योंकि अशांति का रास्ता अपनाकर विकास नहीं किया जा सकता। शांति सद्भावना का रास्ता अपनाकर ही देश का विकास किया जा सकता है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लेकर अनोखे अंदाज में कहा कि सुना था यहाँ मेले में डोर बिकते हैं, कभी नहीं सुना था कि विधायक भी बिक जाएंगे। उम्मीद नहीं थी लेकिन बिक गए सिंधिया महाराज के लोग बिक गए। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने भाजपा की शिवराज सरकार पर भी जमकर प्रहार करते हुए कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, भाजपा ने क्या क्या घोटाले पर घोटाला, व्यापम घोटाला, सिपाही घोटाला, पटवारी घोटाला, ये वही लोग हैं जिन्होंने दलाली के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं इतिहास और पौराणिक काल से लेकर आज तक मामा का रिश्ता बड़े खतरे वाला रिश्ता रहा है। वो चाहे कंस मामा हो या शकुनी मामा, और अब ये कलयुगी मामा, एक झांसी की रानी थी और ये झांसी का राजा है, आदि आदि बातें करते हुए प्रत्याशी प्रियव्रत को विजय बनाकर मंत्री बनाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटों पर कांग्रेस सरकार बनाने का दावा भी किया। मौजूद कार्यकर्ता एवं जनसमूह से कहा कि 17 तारीख तक इसी जोश के साथ काम करना है, लोकतंत्र में बदलाव आना चाहिए, नहीं तो एक तंत्र हो जाएगा। श्री सिंह के पूर्व अपार जनसमूह को खिलचीपुर विधानसभा के प्रत्याशी व पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलांबे, जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, पूर्व विधायक रामप्रसाद दांगी हिमराज कल्पोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया, वरिष्ठ नेता श्याम बाबू तेजराज, जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुज्जर ने भी अपने उद्बोधन दिए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं भारी मात्रा में उमड़ा जनसैलाब मौजूद था। सभा संचालन विधानसभा प्रभारी अजय मंत्रा ने किया। मीडिया से संवाद के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन धर्म का पालन करने वाला मुझसे बड़ा भाजपा में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहीं कपड़े फाड़ने के सवाल पर कहा कि कमलनाथ मेरे मित्र और भाई हैं, हम मजाक किया करते हैं, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। मध्य प्रदेश का नेतृत्व असफल व फ्लॉप नेतृत्व हो चुका है, महंगाई बेरोजगारी प्रशासन सब ठप हो चुका है, फ्लॉप नेतृत्व में वजन डालने के लिए अमित शाह मोदी घर घर जा रहे हैं। देखिए जगत न्यूज 24 से मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। मेरा परिवार राजनीति कर रहा है। मैंने काम इसलिए नहीं किया कि मुझे एमएलए बनना है या कोई मत प्राप्त करना, मैंने काम इसलिए किया क्योंकि इस भूमि ने मुझे जन्म दिया है। साथियों, आप सबका आशीर्वाद प्रेम हमेशा मिला, माताओं बहनों का, युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, और सबने उस तरीके से मेरा सहयोग किया जैसे मैं उनके खुद के परिवार का सदस्य। और यही रिश्ता मैंने हमेशा अपनाया। मैंने खिलचीपुर में कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी में, हाँ मैंने ईमानदारी से भाजपा के लोगों के लिए की, हाँ मैंने कांग्रेसियों के लिए। यहाँ पर मेले में ढोर तो बिकते थे लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि विधायक भी बिकेंगे, लेकिन बिक गए। लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया महाराज के घराने से भी लोग जाएंगे। बात यही है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म का पालन करने वाला बताती है। सनातन धर्म वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, वही सनातन धर्म।
अब आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे घरों में परिवार में जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो क्या नारा लगता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म नहीं है कि हमारा कल्याण हो दूसरे का नाश हो। ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, हमारा नहीं है। ये वो धर्म है जिसने सबको स्वीकार किया। सनातनी विरोधी बता रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हो सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सनातन धर्म का पालन करने वाला भाजपा में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सर अभी एक दिन सभा हुई थी, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो सभा हुई थी उन्होंने कहा था कि कमलनाथ और आसिंग जी के कपड़े फाड़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, पत्रकार वार्ता उधर चल रही है, हमारी जो वार्तालाप कमलनाथ जी के साथ होती है वो एक मित्र के नाते होती है, भाई के नाते होती है, मजाक होती रहती है। लेकिन बात यह है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी गरीब दिखाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, योजनाएं के अंदर दलाली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे तरीके से प्रशासन ठप हो गया है। मध्य प्रदेश का भाजपा का जो नेतृत्व है भाजपा का वो असफल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आज उस फ्लॉप नेतृत्व को उसमें वजन डालने के लिए अमित शाह जी और मोदी जी घर घर जा रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।